और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और मंगलवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज रात 9:32 तक रहेगी। आज शरद संपात या जल विश्व दिवस है। आज पूरा दिन पार करके देर रात 1:56 तक प्रीति योग रहेगा। साथ ही आज शाम 7:19 तक रवि योग भी रहेगा। इसके अलावा आज शाम 7:19 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। शाम 4:52 पर बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 28 नवंबर को शनिवार के दिन सुबह 7:04 तक यहीं पर निवास करेंगे, यहीं पर गोचर करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यजयद योग की। तो बता दूं कि आज कोई योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 26 सितंबर की शाम 7 से शाम 7:25 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 26 सितंबर की शाम 7:26 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। किसी को प्रपोज करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से दोपहर पहले 11:51 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 अक्टूबर की सुबह 6:25 से 8:39 तक और सुबह 10:57 से दोपहर 2:08 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से 8:47 तक और दोपहर पहले 11:05 से 11:51 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:24 से 8:47 तक और दोपहर पहले 11:05 से शाम 4:19 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 16 अक्टूबर की रात 1:01 से 1:25 तक और रात 1:54 से अगली सुबह 6:24 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 सितंबर की शाम 7:47 से रात 10:33 तक और रात 12:48 से अगली सुबह 6:13 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अक्टूबर की रात 1:01 से 1:25 तक और रात 1:54 से अगली सुबह 6:24 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 6:34 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर बाद 3:15 से शाम 4:46 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:33 से शाम 5:04 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:17 से शाम 4:48 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:01 से शाम 4:32 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:14 से शाम 4:45 तक। कोलकाता दोपहर 2:31 से शाम 4:02 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:34 से शाम 5:04 तक। और चेन्नई में
राहु काल होगा दोपहर बाद 3:03 से शाम 4:34 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। आज घर से निकलकर उत्तर पश्चिम या उत्तर दिशा में जाइए, आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी है तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चलिए, क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोचित रहे आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। काम पूरे होने के बाद आप रिलैक्स महसूस करेंगे। आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। इस राशि के कारोबारियों को किसी से जरूरी मुलाकात करनी पड़ सकती है। धन के मामले में स्थिति बेहतर रहेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपके सारे काम मन मुताबिक पूरे होंगे। आप बच्चों के साथ खुशी के पल बिताएंगे। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। इस राशि के जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन शुभ है। आपको किसी अच्छी कंपनी से जॉब के अवसर मिलेंगे। आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आप जिस भी काम को करना चाहेंगे वो काम बड़ी आसानी से पूरा हो सकता है। आप किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं। आप किसी काम के लिए योजना बना सकते हैं। आप दूसरों के सामने अपनी बात को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। संतान की ओर से आपको सुख मिल सकता है। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपके कुछ खास काम बनते बनते अटक सकते हैं। कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। आपको कोई भी कार्य करने से पहले अपने से बड़ों की राय जरूर लेनी चाहिए। इससे आपको लाभ होगा। आपको जिंदगी का कोई भी फैसला बड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए। पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन हो सकता है। आपकी सभी परेशानियाँ दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। किसी काम से भागदौड़ अधिक हो सकती है। आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने खर्चों को लेकर सोच विचार में रह सकते हैं। खर्च पर लगाम लगानी चाहिए। आपको आसपास हर चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है। कुछ लोग आपकी बातों से प्रभावित हो सकते हैं। आपकी परेशानियाँ कम होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार में सबके चेहरे खिले रहेंगे। किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी। आपको नए स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रसंग के प्रति आपका मन आपका झुकाव रहेगा। सेहत के मामले में आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। आपके दिमाग में अचानक से कोई ऐसा विचार आएगा जो आपकी प्रगति की राहें खोल देगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। माता पिता बच्चों के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं। आप समारोह में जाने की प्लानिंग करेंगे। आज अपने बॉस की बातों को ध्यान से सुनकर अपनी कोई राय देनी चाहिए। आपको आलस्य महसूस हो सकता है। कुछ मामलों में आज आप थोड़े भावुक हो सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का हल आज निकलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। ऑफिस में आपके सामने चुनौतियां आएंगी। धैर्य से निर्णय लेने से सफलता के नए आसार खुलेंगे। आपको अपने भविष्य के बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए। घर पर कोई रिश्तेदार आ सकते हैं। उनसे कोई अच्छी खबर मिल सकती है। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जीवन साथी के साथ घूमने की प्लानिंग करेंगे। परिवार में किसी खास मामले पर बातचीत होगी। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। दांपत्य जीवन में समरसता बनी रहेगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन ठीक रहेगा। पुरानी बात को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। ऑफिस में काम को जल्द निपटाने की कोशिश करेंगे। शादीशुदा लोगों का जीवन खुशहाल रहेगा। नए स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी।
दोस्तों से संबंध बेहतर होंगे, माता पिता की सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन फायदेमंद रहेगा, कोई काम संतान की मदद से पूरा हो जाएगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा, माता पिता के साथ धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, किसी अपने से खुशखबरी मिलेगी। छात्रों का पढ़ाई में रुझान रहेगा, आपके पास नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आज को शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज का दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा, आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं, आपका सामाजिक दायरा बहुत बढ़ सकता है, लोगों से आपको मदद मिल सकती है, व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ की उम्मीद है, दैनिक कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है, जीवन साथी से आपके संबंध अच्छे होंगे, आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है, जिनका जन्मदिन है वो आज किसी कन्या को कोई गिफ्ट दें, और जिनकी आज मरीज एनिवर्सरी है वो आज चिड़ियों के लिए दाना डालें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपके ऊपर काम का बोझ रहेगा जिससे आपको थकान होगी। मूलांक 2, आज साथ में काम करने वाले के प्रति कुछ गलतफहमी हो सकती है। मूलांक 3, आपको बिजनेस में कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, आज हर फैसला सोच समझ कर लीजिए। मूलांक 4, कई दिनों से परिवार में चली आ रही आर्थिक समस्या सॉल्व हो जाएगी। मूलांक 5, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचना चाहिए, आपके स्वास्थ्य के लिए दिन आज का दिन लाभदायक रहेगा। मूलांक 6, रिश्तों के लिहाज से आज का दिन शानदार रहेगा, बिगड़े हुए रिश्ते सुधर जाएंगे। मूलांक 7, आपको कोई मुश्किल काम परेशान करेगा जिससे काम को पूरा करने में अधिक समय लगेगा। मूलांक 8, जीवन साथी के साथ कुछ गलतफहमी होगी जिससे आपके बीच झगड़ा हो सकता है। मूलांक 9, बॉस आपके काम को नोटिस करेंगे, इसके लिए अपना काम अच्छे से करें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में मिट्टी के बड़े गमले लगाने के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार मिट्टी के छोटे गमले लगाने के लिए ईशान कोण और बड़े गमले लगाने के लिए नैऋत्य कोण का चुनाव करना चाहिए। नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में मिट्टी के बड़े गमले लगाने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, खासकर कि आपको पेट संबंधी किसी भी समस्या का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही इससे माता के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहते हैं, आपको अपने कामों में अपनी माता से पूरा सहयोग मिलता रहता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और मंगलवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज रात 9:32 तक रहेगी। आज शरद संपात है, आज विषु दिवस है। विषु का शाब्दिक अर्थ होता है समान। ये एक ऐसा बिंदु होता है जिसमें दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुके हुए सूर्य के चक्कर लगाती है, लेकिन जब पृथ्वी का झुकाव न सूर्य की ओर होता है और न ही सूर्य से दूसरी ओर बल्कि बीच में होता है, इस स्थिति को विषु कहा जाता है। इन दोनों तिथियों पर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। जब यह मार्च में आता है तो उसे महाविषु कहते हैं, और जब सितंबर में आता है तो उसे जल विषु कहते हैं। महाविषु में वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और जल विषु में शरद ऋतु की शुरुआत होती है। लिहाजा आज से शरद ऋतु की शुरुआत हो चुकी है। तो ये थी चर्चा शरद संपात की, और अब बात करते हैं आज के योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पार करके देर रात 1:56 तक प्रीति योग रहेगा। जैसा कि इसका नाम है प्रीति योग, इसका अर्थ यह है कि यह योग परस्पर प्रेम का विस्तार करता है। इस योग में किए गए कार्यों से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आज शाम 7:19 तक रवि योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई भी काम करने से वो अवश्य पूरा होता है। आज शाम 7:19 तक अनुराधा नक्षत्र भी रहेगा। अनुराधा 17वां नक्षत्र है, इसका संबंध मौलशी के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन अनुराधा नक्षत्र के दौरान मौलशी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ियों, फल या पत्तियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही उन्हें किसी उपयोग में लेना चाहिए।
तो ये थी चर्चा प्रीत योग, रव योग और अनुराधा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज के दिन होने वाले बुध के तुला राशि में गोचर के बारे में। आज शाम 4:52 पर बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 28 नवंबर दिन शनिवार सुबह 7:04 तक इसी राशि में गोचर करेंगे। अब देखो, कोई प्लैनेट किसी राशि में जाकर रुक नहीं जाता है। संसारति इति संसार है, जो सदैव चलायमान रहे वो संसार है, वो चलता है, गोचर करता है, अपने परिक्रमा पथ पर मूवमेंट करता रहता है। हर सेकंड प्लैनेट मूवमेंट कर रहा है, लेकिन ये राशि का भ्रमण करने में, गोचर करने में इसे इतना समय लग जाता है। भारतीय ज्योतिष में बुध को बुद्धि और वाणी का देवता कहा गया है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। बुध का जो अपना एरिया है वो है एस्ट्रोलॉजी, शिल्पकला, कंप्यूटर का क्षेत्र, वाणिज्य, कैलकुलेटिव एप्टीट्यूड, ये सब बुध के क्षेत्र। वाणी से जितने काम किए जाते हैं सब पर बुध का आधिपत्य है, चाहे शिक्षक हो, चाहे एंकर हो, और चाहे वकालत हो, वहां भी बुध का ही काम है। वहां बुध के साथ साथ, अब देखो सारे प्रोफेशन अलग कैसे होते हैं, बुध के साथ साथ हर प्रोफेशन के लिए शनि के लिए, जैसे वकालत है तो उसके लिए शनि का 10th हाउस से कनेक्शन जरूरी है। ऐसे ही अगर आप मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं तो बुध तो होना ही चाहिए, साथ ही आपके 10th हाउस से मंगल का भी संबंध होना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें, या मान लीजिए कि आप किसी को ये बताते, फाइनेंस पढ़ाते हैं आप, तो फाइनेंस के लिए बृहस्पति और पढ़ाने की कला के लिए मरकरी। बुध इकलौता ग्रह है जो सूर्य के साथ होने के बावजूद अस्त नहीं होता। लिख देते हैं अक्सर पत्रिका में, अब सूर्य के 10°, 5° के अंदर है अस्त, पूर्ण अस्त, लेकिन इकलौता ग्रह है जो अस्त नहीं होता और सूर्य बुध आगे पीछे चलते रहते। तो बुध किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका, हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका के 4th और 10वें घर के कारक होते हैं। 4th स्थान सुख का और 10वां स्थान करियर का। इसके अलावा दिमागी रूप से मेहनत करने वाले कार्यों पर और शरीर में गले और कंधों पर इनका सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। स्पॉन्डिलाइटिस का मूल मरकरी, जितना रीढ़ की हड्डी, करदन, ये सब जितना एरिया है ये सब बुध, दांत बुध। और तुला राशि राशि चक्र की 7वीं राशि है जहां पे ये जाने वाले हैं। ये पश्चिम दिशा की द्योतक है, इसका चिन्ह तराजू है और तुला राशि का स्वामी शुक्र है और इस राशि का तत्व वायु। और बुध के बुध अपनी राशि से निकल रहे हैं, कन्या से, और तुला में जा रहे हैं। तो ये थी चर्चा बुध और तुला राशि की। और अब बात करेंगे बुध की शुभ स्थिति और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचाव के लिए किस राशि वाले को कौन से उपाय करने चाहिए। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं उपायों की। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा। अब देखो, जैसे मेष राशि हैं तो इनका जो 3rd हाउस है और 6th हाउस है, इसके मालिक बुध और 3, 6, 11 के स्वामी अकारक होते हैं। अकारक मतलब जो आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं है। इनका गोचर 7th हाउस पे है। 7th हाउस जीवन साथी का है, दैनिक रोजगार का है, तो आपको जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष को, आपके ससुराल पक्ष को, देखिए आपके बुध की वजह से आपके ससुराल पक्ष को धन का लाभ होगा, साथ ही आपको भी फाइनेंशियल गेन्स होंगे। अगले कुछ दिनों के दौरान आपके बुध चाहे साथ दे या न दे, पर पैसों के मामले में आपको हमेशा सहायता मिलती रहेगी। साथ ही अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपका अच्छा समय बीतेगा। आपको किसी मुकदमे या झगड़े से किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं होगी। और ये ध्यान रहे कि जीवन साथी से टेढ़ा मत बोलिए, क्योंकि बुध अकारक है, 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड है। तो अपनी वाणी को जीवन साथी के साथ इस्तेमाल करते समय बिल्कुल राइट टाइम एकदम स्ट्रीम लाइन रखिए। वहाँ अगर गड़बड़ होगी तो वहीं गड़बड़ होगी, अपनी वाणी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और 28 नवंबर तक बुध के शुभ फल हासिल करने के लिए पानी में भिगोए हुए हरे मूंग का मंदिर में दान करें। पानी में भिगोए हुए हरे मूंग
मंदिर में दान करने से आपको आनंद मंगल रहेगा। और अब बात दूसरी राशि की, वृष राशि वालों के, वृष राशि वालों की जन्म पत्रिका में बुध सेकंड हाउस के लॉर्ड है और पांचवें घर का, पांचवें का लॉर्ड तो शुभ होता है लेकिन द्वितीय प्रबल मार्केश होता है। तो वृष राशि वालों, बुध आपके छठे घर में गोचर करें, छठे घर का गोचर बुध का ठीक समझा जाता है, लेकिन बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपकी वाणी से निकले हुए शब्द बहुत प्रभावशाली होंगे और आपके शब्द सबको प्रभावित करेंगे। आपको धैर्य, आपका धैर्य आपको लाभ कराएगा। शिक्षा संबंधी कार्यों से भी आपको भरपूर लाभ होगा। इसके अलावा कृषि और लेखन संबंधी कार्यों से भी फायदा होगा। आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी, मित्राणाम उदय स्तव, और आपके धन में भी बढ़ोतरी होगी। दूसरी तरफ इसका नेगेटिव पहलू ये है कि आपके कंधों में तकलीफ हो सकती है, आपको अपने दांतों की केयर करनी चाहिए और बहन से अपने रिलेशंस को लेकर सावधान रहना चाहिए। अतः 28 नवंबर तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले किसी छोटी कन्या का आशीर्वाद जरूर लें और घर की महिला को, अगर आप पुरुष हैं, हाथ में चांदी का एक छल्ला पहनने के लिए अनुरोध करें, उससे आपको फायदा हो। जो तुला राशि का स्वामी शुक्र है ना, तो घर की महिला, इसलिए वहां चांदी का छल्ला पहनने से आपको बेनिफिट होगा। और मिथुन राशि वालों, बुध आपके पांचवें स्थान पर गोचर करें। देखिए बुध आपके लिए लग्नेश है मिथुन राशि वालों के, और सुखेश भी है, चौथे घर का मालिक, 3, 4, 5, 6 चौथे घर का मालिक, लग्न का मालिक शुभ और चौथे घर का मालिक भी ठीक ठाक। अब पंचम स्थान पे गोचर है, बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे, आप सही डिसीजंस लेंगे, आपके परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, साथ ही आपके मुख से निकला हुआ वाक्य शुभ फलदायी होगा। इसके अलावा आपको राजकीय कार्यों में सहयोग मिलेगा। पांचवा स्थान चूंकि संतान से संबंध रखता है, इसलिए संतान की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। यहाँ ये भी बता दूं कि आपके निर्णय, पांचवा स्थान जो है वो निर्णय फैसले से संबंधित है, विवेक से संबंधित है, और पांचवें स्थान का रिलेशन अध्यापक से भी है, टीचर से भी है। और आपने जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, तो इस बीच आपकी पीछे पढ़ाई पढ़ी हुई विद्या आपके काम आएगी। और बुध के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए 28 नवंबर तक आपको गौ माता की, गाय की सेवा करनी चाहिए। तुला राशि का स्वामी शुक्र, शुक्र का तत्व गाय, शुक्र को प्रसन्न करने के लिए गाय। कर्क राशि वालों, बुध आपके चौथे स्थान पर गोचर करें, फोर्थ हाउस, बुध आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको माता से सहयोग पाने के लिए कोशिशें करनी पड़ सकती हैं। पारिवारिक सुख का लाभ मिलने में मेहनत जारी रखनी पड़ सकती है। 28 नवंबर तक आर्थिक स्थिति के प्रति सतर्क रहें, अधिक लाभ पाने के लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी। अतः 28 नवंबर तक बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाइए, इससे फायदा होगा। क्यों? देखिए कोई चीज़ आपको अगर नुकसान करने जा रही है, तो आप जैसे केसर है वो बृहस्पति है, तो केसर का तिलक लगाएंगे तो विशेष लाभ होगा। और सिंह राशि वालों, बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आपको अपने कार्यों में भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। इस बीच आप दूसरों के सामने अपनी बातों को अच्छी तरह से रख पाएंगे। आर्थिक रूप से 28 नवंबर तक का समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आपको अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा। अतः बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 28 नवंबर तक सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें, साथ ही पीले रंग की कौड़ियां जलाकर उनकी राख को बहते पानी में बहा दें। कन्या राशि वालों, बुध आपके दूसरे स्थान पर सेकंड कुटुंब स्वभाव में गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आप आर्थिक रूप से धनी होंगे। आप अपने आप में खुश रहेंगे और अपने बुद्धि का सही प्रयोग करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप कलम के धनी होंगे और
अपनी लेखन क्षमता से दूसरों को प्रभावित करेंगे। इस दौरान शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो 28 नवंबर तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपने पास चांदी की कोई चीज रखिए। और तुला राशि वालों, बुध आपके पहले स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के गोचर के प्रभाव से 28 नवंबर तक आपको राजा की तरह सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, साथ ही आपको भरपूर यश और सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको हर तरह के भौतिक सुख साधन मिलेंगे। 28 नवंबर तक पैसों से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस राशि की महिलाओं की स्थिति भी बेहतर रहेगी। आपके करियर में भी लाभ की स्थिति बनेगी, साथ ही आपकी संतान को न्यायालय से लाभ होगा। अतः बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में हरे रंग की चीजें दान करें। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपके परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आपको शैया सुख प्राप्त होगा, साथ ही आपके धन में बढ़ोतरी होगी और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अतः बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 28 नवंबर तक पीले रंग का धागा अपने गले में पहने और बाद में उसे साफ बहते जल में प्रवाहित कर दें। धनु राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे, आमदनी बढ़ेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अचानक धन का लाभ होगा, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आपके संतान को अच्छी शिक्षा मिलेगी। अगर आपकी संतान की शादी अभी तक नहीं हुई है और आप उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो 28 नवंबर तक उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। तो बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए गले में तांबे का पैसा धारण करें। मकर राशि वालों, बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के गोचर के प्रभाव से आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आप अपने साथ साथ अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सतर्क रहिए। आपको अपने करियर से संबंधित कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। तो कल से 28 नवंबर तक इस तरह की स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करें। 28 नवंबर तक थोड़ा थोड़ा करके दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करें। कुंभ राशि वालों, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के गोचर के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आपको जीवन में भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। आपको 28 नवंबर तक पैसों की कोई कमी नहीं होगी, बल्कि आपके धन में वृद्धि ही होगी। आप परिवार की अच्छी देखभाल करने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। तो बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए 28 नवंबर तक लोहे की लाल रंग की हुई गोलियां अपने पास रखें। मीन राशि वालों, बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के गोचर के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साथ ही आपकी माता का स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। तो कल से 28 नवंबर तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी के बर्तन में पिसी हुई शक्कर डालकर उस पर ढक्कन लगाकर कहीं वीराने में दबा दें। तो ये सारी चर्चा थी बुध के तुला राशि में गोचर करने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं हनुमान सेतु मंदिर के दर्शन। ये मंदिर लखनऊ में गोमती नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण हनुमान जी के अनन्य भक्त नीम करौली बाबा ने करवाया था। नीम करौली बाबा जी को हनुमान स्वरूप ही कहा जाता है। मंदिर के पास ही बाबा नीम करौली का मंदिर भी बना हुआ है। यह मंदिर गोमती नदी के किनारे एक पुल के पास बना है, इसी कारण इसे हनुमान सेतु मंदिर कहा जाता है। लोगों के बीच इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। इस लोग दूर दूर से यहाँ माथा टेकने आते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए हनुमान सेतु मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 22 सितंबर को अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज रात 9:32 तक रहेगी, उसके बाद सप्तमी लग जाएगी। सप्तमी में किसी भी प्रकार के खजूर या ताड़ के फल का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते आपको बता दूँ कि कल की शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणुकुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ एहि रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी जरूरतमंद की मदद करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124
4721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।